बेटा आज हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ हार्ट की बात करनी है। आपने बात ध्यान में रखना है कि ये बात हमारी हो गई थी कि हमारा जो दिल है वो मसल्स का यानी गोश्त का बना हुआ है। ये बात हमारी हो गई थी ना, तो तुम्हें एक बात ध्यान में रखना कि जो मायोकार्डियम होती है, मायोकार्डियम इज मायोजेनिक स्ट्रक्चर। मायोकार्डियम जो है वो मायोजेनिक स्ट्रक्चर है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारा जो दिल है यानी हमारा हार्ट, ये अपनी कॉन्ट्रैक्शन भी खुद जनरेट कर सकता है और उस कॉन्ट्रैक्शन को आगे तक ट्रैवल भी करवा सकता है, पहुंचा भी सकता है, कंडक्ट भी करवा सकता है। यानी अगर मैं किसी एनिमल को ले लूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने फ्रॉग को ले लिया, जिंदा फ्रॉग, और मैंने उस जिंदा फ्रॉग के पेट को खुला, उसके सीने को खुला और उसमें उसका हार्ट बीट कर रहा था। अगर मैं उसके हार्ट को काट के बाहर निकाल के किसी डिश पे रख दूँ या टेबल पे रख दूँ या किसी उसके अंदर रख दूँ, जार के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि बाहर निकलने के बाद भी वो हार्ट बीट कर रहा हो, वो हार्ट बीट कर रहा होगा, हालांकि आपने बॉडी से उसको काट कर बाहर निकाल दिए। तो जब आपने उसको बॉडी से काट के बाहर निकाल दिया तो कैसे बीट कर रहा है? क्योंकि हार्ट अपना करंट खुद जनरेट करता है और ख़ुद उसको कंडक्ट करवा सकता है। तो जब तक उसके पास एनर्जी अवेलेबल होगी वो बीट करता रहेगा, और जब उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वो बीट करना बंद हो जाएगा। अब जब हम देखते हैं हार्ट को, तो जब ये मैं कहता हूँ ये मायोजेनिक स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कैन जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कंडक्ट भी कर सकता है और जनरेट भी कर सकता है। तो अभी मैं जो आपको इसका पढ़ाऊंगा ना, तो हम ECG साथ साथ बनाते जाएंगे ताकि हमें समझ में आए कि उसमें क्या हो रहा है। ठीक है बेटा? अच्छा, आप देखोगे। अब अगेन मैंने वही तुम्हारे हार्ट का सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लिया। अब ज़्यादा बड़ा डायग्राम बनाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे हार्ट का सिंप्लीफाइड डायग्राम है। ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, ठीक है ना? ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक हो गया? अच्छा, मैंने तुम्हें समझाया था फंक्शनली एट्रिया अलग तरीके से काम करते हैं और वेंट्रिकल अलग तरीके से काम करते हैं। अच्छा, फिर तुम्हें याद है कि हमने देखा था कि ये जो राइट एट्रियम था, इस राइट एट्रियम में दो बड़ी वेंस आके इस तरीके से ओपन हो रही थी। याद आ रहा ना आप लोग? हमने कहा था कि यार ये है सुपी इन्फिया वेना केवा, मैं इसको लिख देता हूँ IVC इन्फिया वेना केवा, और ये थी हमारी सुपीरियर वेना केवा, मैं इसको लिखता हूँ SVC। ठीक हो गया? अब आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जिस जगह आपके राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना केवा आके ओपन हो रही है, ये बात याद कर ले, जिस जगह आपके राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा आके ओपन हो रही है, इस जगह पर आपके पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद है। इस जगह पर आपके पास क्या मौजूद है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, इस ग्रुप ऑफ सेल को हम नाम देते हैं SA नोड का, ठीक है? या SA की फुल फॉर्म क्या है? साइनो एट्रियल नोड का। या जब आप जाएंगे एडवांस क्लासों में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एट्रियम का एक पार्ट होता है, इट्स कॉल्ड ऑरिकल। वो एट्रियम से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, वो जब आप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। हम इसको साइनो ऑरिक्यूलर नोड भी कहते हैं उस ऑरिकल की वजह से। तो मैं ऐसे नोड बोलूँ, साइनो एट्रियल नोड बोलूँ या साइनो ऑरिक्यूलर नोड बोलूँ, इन सबका तकरीबन मतलब सेम ही है ना। अब याद कर लो तुम, ये जो ऐसे नोड है, साइनो एट्रियल नोड है या साइनो ऑरिक्यूलर नोड है, जो भी है, इट इज़ द पेस मेकर ऑफ हार्ट। इट्स द पेस मेकर ऑफ हार्ट। ये हमारे दिल का, हमारे हार्ट का पेस मेकर है। पेस समझते हो तुम? रफ्तार। पेस का मतलब क्या होता है? स्पीड। तो हमारे हार्ट में जो धड़कन चल रही है ना, उस धड़कन को चलाने वाला है। तो एक्चुअली ये बैटरी ऑफ आवर हार्ट है। ये क्या है? हमारे हार्ट की, इट्स द बैटरी ऑफ आवर हार्ट। और जब मैं कह रहा हूँ कि हमारे हार्ट की बैटरी है, तो बैटरी क्या करती है भाई? घड़ी में जो बैटरी लगी होती है, वॉल क्लॉक में जो आप सेल लगाते हो, जो बैटरी है उसकी, वो क्या करती है? वो उसको एनर्जी देती है और वो एनर्जी क्या करती है? उसके सुइयों को घुमाती है। ऐसे ही होता है ना। तो जिस तरीके से आपकी वॉल क्लॉक की बैटरी आपकी वॉल क्लॉक को चलाती है, इस तरीके से हमारे हार्ट की ये बैटरी हमारे हार्ट को चलाती है। तो ये क्या करता है जनाब? ये जनरेट करता है, जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन आवर हार्ट। अच्छा, तुम लोगों ने बात को ध्यान में रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ये जनरेट कर रहा है ना, चूँकि एक करंट है
और तुम्हें बताना तुम्हारी मेरी बॉडी में क्या मौजूद है, फ्लूइड्स मौजूद हैं, हमारे सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हैं, हमारे हार्ट के बाहर पेरिकार्डियम थी, पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड था ना, तो उन फ्लूइड्स के थ्रू ये करंट हमारी स्किन की सरफेस तक भी पहुँचता है, उन फ्लूइड्स के थ्रू ये करंट हमारी स्किन की सरफेस तक भी पहुँचता है। और अगर मैं अपनी स्किन पर कोई इलेक्ट्रोड लगा लूँ, इलेक्ट्रोड समझते हो, जो कि करंट को कैच करने वाली डिवाइसें होती हैं, अगर मैं कोई इलेक्ट्रोड लगा लूँ अपनी स्किन पे तो मैं इस करंट को कैच भी कर सकता हूँ। अगर मैं कोई इलेक्ट्रोड लगा लूँ अपनी स्किन पे तो मैं इस करंट को उस इलेक्ट्रोड से कैच करके रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। और उसी रिकॉर्ड को हम क्या नाम देते हैं, उसी रिकॉर्ड को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, जिसको हम कहते हैं ECG। और अगर इसको हम मॉनिटर पे देख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, स्क्रीन पे अगर देख रहे हैं, और आपने देखा है वो पेपर के ऊपर भी ECG लेते हैं ना, और अगर हम इसको पेपर पे लेंगे तो हम इसको बोल देंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, क्योंकि वो आप ग्राफ पेपर पे ले रहे हो तो बाधेगी, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या अगर इसको आप पेपर पे ले रहे हो तो आप इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कह सकते हो, ठीक है।